Hello, good morning students. Welcome to Can Study Point and I am Preeti ma'am and I am here to help you in your preparation of DGT English. Now, as I know, you must have learned about your syllabus, you must have read about your prescribed syllabus of DGT English. So now, I am going to tell you about the author who is a part of your prescribed syllabus and he is none but William Shakespeare. Now let's start about him. As you are seeing on the screen, William Shakespeare, 23rd April 1564 to 23rd April 1660. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने उनके बारे में कुछ जो उनकी बहुत छोटी सी छोटी छोटी चीजें हैं, उनका जो बर्थ है, उनकी जो डेथ है, उनके फादर, मदर, मैरिज, वाइफ से रिलेटेड जो चीजें, वो सबसे पहले मैंने आपको नोट कर रही है, तो बहुत ध्यान से इनको आप देखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये चीजें जो है बहुत माइनर सी चीजें हैं बट एग्जाम में पूछी जाती है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन सीखेंगे कि हमको आगे कैसे पढ़ना है, क्या चीजें सीखना है। तो नाउ फर्स्ट, सबसे पहले फादर जॉन शेक्सपियर, हिज फादर्स नेम वॉज जॉन शेक्सपियर, ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्री प्रोडक्ट्स। तो ये जो इनके फादर थे वो ट्रेडर थे कॉर्न, मीट, लेदर, ये जो दूसरे भी जो खेती के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषि के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका ट्रेड करते थे। ही वाज अ ट्रेडर एंड हिज मदर मैरी आर्डन। यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन नहीं लिखा है बिकॉज देयर इज नथिंग वाज स्पेसिफिक अबाउट हर ऑक्यूपेशन। सो सिंपल सा मदर का नेम पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैरी आर्डन इनकी मदर है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, बहुत डीप में नहीं पढ़ना बट फैक्चुअल पढ़ना है, तथ्यात्मक पढ़ना है। तो फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, यू हैव टू लर्न प्रॉपरली द फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। फादर्स नेम जॉन शेक्सपियर, मदर्स नेम मैरी आर्डन एंड मैरिज। अब अबाउट मैरिज में क्या पढ़ना है, इट वॉज अ मेल, सो हम वाइफ की बात करेंगे, एन ए हैथवे, 8 years सीनियर टू हिम, ये दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हर। एने हैथवे अपने हस्बैंड से 8 साल बड़ी थी, अपने हस्बैंड यानी कि विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नाउ द नेक्स्ट चिल्ड्रेन, सुजाना, सुजाना इनकी इल्डेस्ट डॉटर थी और इसके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर 6 month ऑफ हिज मैरिज। उनकी शादी के जस्ट 6 month बाद सुजाना का जन्म हुआ था, आप समझ सकते हैं। तो ये इनकी इल्डेस्ट डॉटर थी और जब इनका नेक्स्ट बेबी हुआ तो वो ट्विंस थे, हैमलेट एंड जूलियट। ब्रैकेट में एस लिखा है, एस इज फॉर सन एंड डी इज फॉर डॉटर। तो हैमलेट बेटा था और जूलियट बेटी थी। तो हैमलेट उनका अकेला बेटा था, यानी विलियम शेक्सपियर की 3 संतानें थी, सुजाना, हैमलेट एंड जूलियट। सुजाना बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी, जूलियट छोटी थी और हैमलेट जूलियट के साथ ही कट्विंस था जो कि बेटा था। ठीक है, अभी सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, इसके पहले की क्लास में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको वन लाइनर ही तैयार करने हैं सबसे पहले। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, आपको सिर्फ समझना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये एक अपने आप में जो एक स्टेटमेंट है ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि ही वॉज नॉट सो लिटरेट, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ही वॉज नॉट अ बिग लिटरेरी पर्सन, वो एक बहुत बड़े लिटरेरी पर्सन नहीं थे, बट उनका जो नाम है लिटरेचर के क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्मॉल लैटिन पढ़ी थी और लेस ग्रीक पढ़ी थी। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये सीख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है या फिर अबाउट द पर्सन ये भी आ सकता है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसके विषय में कहा गया, तो विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा गया। और विलियम शेक्सपियर की एजुकेशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सा एक कोट बहुत ज्यादा फेमस है, तो दैट कोट इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, द ओनली सन हैमलेट वॉज डाइड एट द एज ऑफ 11। जो इनका इकलौता बेटा था, आपको पता है इनके 3 बच्चे थे और हैमलेट इनका इकलौता बेटा था क्योंकि बाकी 2 इनकी डॉटर्स थी। तो हैमलेट जो था वो 11 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई, वॉज डाइड एट द एज ऑफ ओनली 11, सिर्फ 11 वर्ष की उम्र थी। ठीक, तो आपको बहुत ज्यादा और ज्यादा डीप में नहीं जाना है। पहला पॉइंट आपने पढ़ा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दैट वॉज अबाउट द एजुकेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड द ओनली सन हैमलेट वॉज डाइड एट द एज ऑफ 11। तो वॉट इज इम्पोर्टेंट इज लाइन की हैमलेट वॉज हिज ओनली सन,
दैट इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न कि हैमलेट वॉज हिज ओनली सन, उनका अदर कोई अन्य कोई बेटा नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट, ही लेफ्ट स्टेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टैलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी स्पार्क. अब सर थॉमस लूसी के पार्क से उन्होंने डियर स्टैलिंग की. आप इसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिए. पहली बात तो व्हाई डिड ही लीव स्टेटफोर्ड, उन्होंने स्टेटफोर्ड क्यों लीव किया, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है. ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन्होंने किसके पार्क से डियर स्टेलिंग की. ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ही लेफ्ट स्टार्ट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टेलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क. तो ये तीन पॉइंट्स आपके हो गए. स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसके लिए कहा गया, अबाउट द एजुकेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर. The only son Hamlet was died at the age of 11 and he left Stratford. Why? Because of his stealing deer from Sir Thomas Lucy's park. Okay, now next. Some important one liner most. He wrote 154 sonnets which were published in 1969. तो इसका क्वेश्चन सीधा बनता है कि जो उनकी सोनेट्स थे वो कब पब्लिश हुए, इन 1609, 1609 में. ठीक है, और कितने थे, 154. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बेटा ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि जब आप किसी भी एक सरफेस लेवल की बुक भी उठा के अगर आप पढ़ते हैं तो ये फैक्ट आपको उसमें भी मिल जाता है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात को आप इस पढ़ाई के दौरान ही समझ लीजिए कि सरफेस लेवल की फैक्ट वो है जो इतने ज्यादा सतह पर है. जब आप सतह पे वो चीज होती है जो सबसे ऊपर ही होती है उसको पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, बट जो चीज डेप्थ में है, गहराई में है, उसको पाने के लिए आपको बहुत लेबर करना पड़ता है. तो सरफेस पे होने का आप थोड़ा सेंस समझिए कि आप कोई बुक ऐसी है जो सतही, बोलते हैं हिंदी में सतही स्तर की पुस्तक है, जिससे बहुत ज्यादा कोई गहन कोई उसमें जानकारी नहीं है, मात्र सतही स्तर की जानकारी है, उसमें भी आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी कि शेक्सपियर का जो बर्थ है, उनकी जो डेथ है, कितने सोनेट्स थे, कौन कौन से सोनेट्स थे, या उनकी मेन ट्रेजेडीज क्या है, या मेन कॉमेडीज क्या है, ये सब आपको उसमें भी मिल जाएगा. ठीक है, तो ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये बात है कि उसके साथ ही जो और चीजें हैं उन्हें भी आपको साथ में लेके चलना है. ठीक है, इन चीजों को छोड़ना नहीं है बट उन चीजों को साथ में लेते हुए आपको चलना है. तो ये 154 सोनेट्स जो थे वो कब पब्लिश हुए थे, 1609 में. ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है. नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क ग्रीनीज ग्रॉट वर्थ ऑफ इट. और क्या था वो, एनापिस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी पिट्स. देखो बेटा, बहुत सारे जो आपके होते हैं क्रिटिक्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं और उनका जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही ये बताता है कि कितना भी उनमें जो वो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, जो प्लस है, जो माइनस है, उन सबको वो जो है हाईलाइट करता है. अब ग्रीने ने एक पैम्फलेट, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक पैम्फलेट छपा था, उसका नाम था ग्रॉट वर्थ ऑफ फिट. उस पैम्फलेट में विलियम शेक्सपियर के विषय में ग्रीने ने क्या कहा था, एक एन अपस्टार्ट क्रो, एक कौवा बताया था उन्हें, ब्यूटिफाइड विद द फिगर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वे कौन से विद्वान थे जिनको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं. तो इनके ऊपर एक कमेंट किया था कि ये एक अपस्टार्ट क्रू है जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के फिदर से ही ब्यूटिफाइड किया गया है. तो ये एक कमेंट था. अब देखिए, बड़े लोगों के बारे में कही गई एक भी बात वो बात अपने आप में बड़ी हो जाती है. ठीक है, विलियम शेक्सपियर के बारे में कही गई थी एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस वॉज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, कि ये पहला क्रिटिसिज्म था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. तो अब इसका क्वेश्चन सीधा ये बनेगा कि क्रिटिसिज्म पहला किसने किया, ग्रीने ने किया. ओके, याद रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, पहला क्रिटिसिज्म किसने किया, ग्रीने ने किया. किस पैम्फलेट में किया, ग्रॉट वर्थ ऑफ विट में किया. और वो क्रिटिसिज्म क्या था, व्हाट वाज दैट क्रिटिसिज्म. तो वो स्टेटमेंट क्या था, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फीदर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स. आप अगर इतना बहुत ज्यादा लर्न नहीं भी कर पा रहे तो आप थोड़ा सा माइंड में याद रखिए कि कुछ कौवा क्रो जैसी बात किसके विषय में कही गई थी,
तो क्रो जैसी बात विलियम शेक्सपियर के विषय में कही गई थी और किसने कही थी? ग्रीने ने कही थी। ये बात आपस में आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बर्निंग ऑफ द ग्लोब थिएटर ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरिएट। ग्लोब थिएटर जिससे ये जुड़े हुए थे विलियम शेक्सपियर, तो जब ग्लोब थिएटर के जलने की घटना हुई उस समय क्या था? उस समय हेनरी एट का प्रीमियर चल रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर के बर्निंग की जब घटना हुई उस समय क्या चल रहा था, कौन सा प्रीमियर चल रहा था या कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी एट, ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, हेनरी एट के टाइम पर ही ग्लोब थिएटर की बर्निंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्री टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस किसे डेडिकेट की है एंड रेप ऑफ ल्यूक्री किसे डेडिकेट की है? तो ये दोनों उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन को डेडिकेट की है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, बहुत छोटा सा पॉइंट है, नंबर ऑफ हिस्ट्री प्लेस ऑफ बाय विलियम शेक्सपियर आर ओनली 12 प्लेस थे जो हिस्ट्री प्लेस कहलाते हैं। एंड जब टोटल प्लेस के नंबर ऑफ टोटल प्लेस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, देन द आंसर विल बी 37 प्लेस। ओके, नंबर ऑफ हिस्ट्री प्लेस 12 एंड नंबर ऑफ प्लेस ओनली प्लेस 37। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623। पहला फोलियो विलियम शेक्सपियर के प्लेस का कब आया? फोलियो एक कलेक्शन होता है। विलियम शेक्सपियर के प्लेस का प्ले का पहला फोलियो कब आया था? 1623 में आया था। लर्न कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब ग्लोब थिएटर की बर्निंग की घटना हुई, ये कब हुई थी? हेनरी एट के टाइम पे हुई थी। शेक्सपियर ने अपनी जो पोएम थी इनकी, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्री, ये किसे डेडिकेट की थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन को की थी। नंबर ऑफ हिस्ट्री प्लेस 12 थे एंड टोटल प्लेस 37, और फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर के प्लेस का था वो कब आया था? इन 1623, यानी 1623 में विलियम शेक्सपियर के प्ले का पहला फोलियो आया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट्स, अभी है मेन वर्क्स। अब हम मेन वर्क्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अभी तो हम इनके सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस आर द ओनली नेम्स, टाइटन, एड्रोनिकस, लव स्लेवर लॉस्ट, किंग जॉन, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस सीजर, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस, ये इसका पूरा नाम है, विंटर्स टेल, कोरियोलेनस, ठीक है। ये अब आपकी ये ओनली नेम है, दिस आर द ओनली नेम्स, बट यू हैव टू डू मोर देन ओनली नेम्स। आपको बहुत कुछ करना है, इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। नाउ दिस इज द बिग थिंग That you should know very well. ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। And what is this? I'm trying to make you understand my best. देखिए, these are the classification of questions. आपके जो questions आएंगे TGT English में, वो उनका एक classification है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, we are talking about William Shakespeare. अब हम सिर्फ विलियम शेक्सपियर को लेकर के चल रहे हैं, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मैंने इन्हें चार कैटेगरी में बांटने की कोशिश की है। पहला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क्स, पहले तो उनके वर्क्स पे आधारित क्वेश्चन, जैसे इन्होंने मैकबेथ लिखा, इन्होंने ओथेलो लिखा, इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, जो भी लिखा, अब उस पे बेस्ड आ सकते हैं कि ये वर्क इन्होंने कब लिखा, किसके बारे में लिखा, कैसे लिखा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। या फिर ये वर्क क्या है, अपने आप में ट्रेजेडी है या कॉमेडी है या एक नैरेटिव पोयम है या एक सोनेट्स, मतलब क्या है, ठीक है, किस कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी एंड कैरेक्टर। अब देखो बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी एंड कैरेक्टर, इसमें क्या है आपका, वो जो आपकी स्टोरी है, देखिए ध्यान से, आप ये आपकी है स्टोरी एंड कैरेक्टर, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। स्टोरी एंड कैरेक्टर का मतलब हुआ कि जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उस स्टोरी से बेस्ड या उसके कैरेक्टर से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैकबेथ पढ़ी होगी, तो मैकबेथ में आपसे पूछा जा सकता है कि
कोई जो आपका कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर उठा लेते हैं हम, फिचेस का कैरेक्टर उठा लेते हैं या डंकन का कैरेक्टर उठा लेते हैं, उसको लेके कोई क्वेश्चन बन सकता है। कोई स्टेटमेंट किसने बोला, कोई कैरेक्टर कैसा था, या उस स्टोरी में इसके बाद क्या हुआ या क्यों हुआ, तो ये स्टोरी और कैरेक्टर पे बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस को आप तभी हल कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट द स्टोरी, जब आपको अच्छी नॉलेज है स्टोरी के बारे में, आपको पता है कि कौन सी घटना कब घटी और क्यों घटी और कैसे घटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना है। और मेरा एक पर्सनली ये कहना है कि हो सके तो स्टोरी को आप हिंदी में समराइज करके अच्छे से समझ लीजिए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपका छूट जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट। आप क्रिटिसिज्म आपके ऑथर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑथर से भी रिलेटेड है और आपके स्टोरी से भी रिलेटेड है। क्रिटिसिज्म, जैसे अभी हमने पढ़ा, ग्रीने का एक पढ़ा था, रॉबर्ट ग्रीने ने एक पैम्फलेट में कमेंट किया था, एक क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर को, एंड अप स्टार्ट क्रो आपने पढ़ा था कि ना, अप स्टार्ट क्रो बोला था, वो किसने बोला था बेटा, रॉबर्ट ग्रीने। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रॉबर्ट ग्रीने ने पढ़ा था, बोला था। तो उसका क्वेश्चन आ सकता है, ये क्रिटिसिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, टू बी और नॉट टू बी किसका स्टेटमेंट है, किसने बोला है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर्सनल लाइफ। अब आपका यहाँ पे ऑथर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन, चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके मदर या फादर से रिलेटेड क्वेश्चन, बर्थ या डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन से जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बात सिर्फ इतना नहीं है कि हमें पर्सनल लाइफ पढ़नी है, चार चीजें, ठीक है, आपको चार कैटेगरी मैंने आपको बताई है, एक तो वर्क्स, तो वर्क्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर स्टोरी एंड कैरेक्टर, तीसरा है क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट। जो क्रिटिसिज्म यानी जो मेन मेन क्रिटिसिज्म है उनको हमें पढ़ना है कि अबाउट हिम किसने किसने बोला है, उनके बारे में किसने कौन सा क्रिटिसिज्म दिया है, एंड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपके प्ले से भी रिलेटेड हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, और लास्ट में आपका है पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा इस बात को। देखिए मैं जाती हूं स्क्रीन पे, ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अब ये क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर म्यूजिक फूड ऑफ लव है, प्ले ऑन यानी कि अगर म्यूजिक से जो है एक फूड मिलता है लव को, स्ट्रांग होता है लव को, लगता है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो प्ले ऑन, मुझे और म्यूजिक दो, मुझे और म्यूजिक दो। तो अब ये एक स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा 12th night, तो आपने पढ़ा होगा ये 12th night का है, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट प्ले से ये लिया गया है, और आपको पता है किससे लिया गया है, ये फर्स्ट एक्ट है और फर्स्ट सीन है। आपने पढ़ा होगा जब ट्वेल्थ नाइट की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट एक्ट और फर्स्ट सीन, फर्स्ट एक्ट एंड फर्स्ट सीन, तो ये स्टेटमेंट आता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। और आपको पता है ये कहा किसने है भाई, इसको भी आप समझ लीजिए, इस स्टेटमेंट को किसने बोला है, इस स्टेटमेंट को बोला है ड्यूक ऑरसिनो।
ड्यूक ऑर्सिनो का ये स्टेटमेंट है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। तो ये एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बताया ताकि आप इस चीज को समझ जाएं कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वापस आते हैं, तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क ये क्या है, आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क, फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोरी एंड कैरेक्टर, फिर है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट्स, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर्सनल लाइफ। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स दैट विल मेक यू फील बेटर। क्वेश्चन नंबर वन, माइजरी अक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलो हु सेज। एक ये स्टेटमेंट है कि माइजरी मैन को कुछ ऐसे स्ट्रेंज बैड फेलो दे देती है। वास्तव में यही होता है बेटा, जब माइजरी आती है तो तब हमें फील होता है कि हमारे आसपास के लोग वास्तव में कैसे हैं। तो इस स्टेटमेंट को अब हु सेज पूछा गया, हु सेज कौन कहता है। तो अगर आपने द टेम्पेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रैंक्यूलो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि माइजरी अक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। बट अगर आपने द टेम्पेस्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यही क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ये जो प्ले है, ये जो वर्क्स हैं, इनको बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़िए, बट कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि आप उनकी समरी को बहुत अच्छे से समझ जाए। एटलीस्ट हिंदी में उनकी समरी को तो आप पढ़ ही लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रेट वर्थ ऑफ फेक। ये आपने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन आपने। हु अटैक्ड शेक्सपियर, शेक्सपियर पे किसने अटैक किया था। अब आप ये अटैक का मीनिंग ये मत सोचना कि किसी ने हमला कर दिया था, बातों का हमला भी अटैक ही होता है, और क्रिटिसाइज किया था वो भी अटैक ही होता है। तो शेक्सपियर पे अटैक करने का मतलब शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था किसने, अपने पैम्फलेट में, ग्रेट वर्थ ऑफ फेक में। तो आप सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ग्रीने है। ठीक है, ग्रीने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में द डोमिनेंट नोट इज, जो डोमिनेंट नोट है वो क्या है, तो वो क्या है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये आप एक लर्न भी कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि जितने भी इनकी ट्रेजेडीज हैं उसमें जिसकी जो डेस्टिनी होती है, अब डेस्टिनी तो निगेटिव ही होगी चूंकि ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी का अंत तो कभी भी अच्छा नहीं होता है, तो उसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं। हीरो लास्ट में मर जाता है, अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, भाई एक फिल्म में विलन मरता है और हीरो जिंदा रहता है। छोटा सा एक एग्जांपल समझिए, किसी भी फिल्म में सामान्यतः विलन मर जाता है और हीरो जिंदा रहता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेजेडीज है, ट्रेजेडी तो उसी को कहेंगे जिसमें हीरो भी लास्ट में मर जाता है। ठीक है, तो इनमें मैकबेथ में लास्ट में मैकबेथ मर गए, आपने मैकबेथ देखा, जब आपने ओथेलो देखा तो लास्ट में ओथेलो में ओथेलो भी मर गए। जितने भी आप ट्रेजेडीज देखेंगे, किंग लियर में देखा किंग लियर मर गए, जितनी भी ट्रेजेडीज पढ़ेंगे मेन हीरो उसमें लास्ट में नहीं रहता है। तो ऐसे जब वो हीरो है तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी बताई गई होंगी, बहुत सारी बताई जाती है, फिर उन गुणों के बावजूद भी उसका पतन होता है, क्यों। तो शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज में जो डोमिनेंट रोल है वो ये है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी उसका अपना चरित्र, उसका अपना कैरेक्टर ही उसका भाग्य बन जाता है। कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसे फॉल होते हैं जिसकी वजह से वो उस डेस्टिनी को प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम आगे और ज्यादा एनालाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ट्रेजेडीज में जो डोमिनेंट रोल है, ओनली नॉट ओनली इन ट्रेजेडीज बट इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में डोमिनेंट रोल क्या है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आवर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर। ये भी एक फ्रेज है शेक्सपियर के बारे में, किसने कहा है, दिस इज बाय एस टी कॉलरिज ने कहा था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आवर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर, दैट इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर, तो ये है आपका एस टी कॉलरिज। ठीक है, चलिए तो एक बार अच्छे से इसको हम रिवाइज करते हुए पीछे आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फादर मदर एंड मैरिज। ठीक है, जॉन शेक्सपियर ही वाज अ फादर, मैरी आर्डन जो इनकी मदर थी, और एनी हैथवे शी वाज हिज वाइफ 8 years सीनियर टू हिम। नेक्स्ट सुजाना एल्डेस्ट डॉटर थी, और हेमलेट एंड जूलियट इनके ट्विन्स थे। फिर इनकी एजुकेशनल जो लाइफ थी उसको लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, ये स्टेटमेंट ये इस बात को कहीं ना कहीं बताता है। और जो हेमलेट था वो इनका इकलौता पुत्र था, इनका ओनली सन था। इसके बाद व्हाई डिड ही लीव स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये समझना है आपको, बिकॉज ऑफ द स्टेलिंग डियर।
किसके पार्क से? सर थॉमस लूसी के पार्क से। टोटल 154 सोनेट्स थे एंड विच वर पब्लिश इन 1609। और ग्रीने का जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म था वो ग्रीने का था, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ सकते हैं, बट इतना पढ़ लीजिए, एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड लर्न कर लीजिए कि अप स्टार्ट क्रो किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीने ने कहा था, किसने कहा था, एक पैम्फलेट में, उस पैम्फलेट का नाम क्या था? ग्रॉट वर्ड्स ऑफ विट। इसके बाद बर्निंग ऑफ ग्लोब थिएटर की घटना कब घटी थी? जिस समय हेनरी VIII का प्रीमियर चल रहा था, और शेक्सपियर ने अपनी जो ये आपकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी को, सॉरी ल्यूक्री को, किसे डेडिकेट किया था? अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन को किया था। नंबर ऑफ स्ट्रीट्स प्लेस 12 एंड नंबर ऑफ टोटल प्लेस 37। फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623। मेन वर्क्स आपको सीधे से लर्न कर लेने हैं, थोड़ा सा समझना है, इनको पढ़ना है, इसमें कुछ खास नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्वेश्चंस जो चार प्रकार के आ सकते हैं, चार तरह से आ सकते हैं, वर्क्स पे बेस्ड, स्टोरी कैरेक्टर पे बेस्ड, क्रिटिसिज्म एंड स्टेटमेंट पे बेस्ड, और पर्सनल लाइफ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए दो एग्जांपल के लिए, चार क्वेश्चन। माइजर एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज हु सेज, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रैंक्विलो इन द टेम्पेस्ट। रॉबर्ट ग्रीने का स्टेटमेंट आप कई बार पढ़ चुके हैं। और मेन जो डोमिनेंट नोट है इन शेक्सपियर ट्रेजेडी वो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। नाउ आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने बोला था? दैट इज द फ्रेज अबाउट विलियम शेक्सपियर इज बाय एसटी कॉर्डिस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो इसी टॉपिक पर आगे होगी, इसकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, और मेहनत से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।